welcome to you all again with your ma'am Manju Dagar. Now today we are going to study about the trigonometric inverse trigonometric functions, and we will keep it forward our topic we have taken in our previous lectures. आज हम देखेंगे कि cos inverse, अब तक हमने sin inverse की values find out की थी, principal values, और आज जो हम find out करने जा रहे हैं वो cos inverse के केस में principal value find out करने जा रहे हैं. आपने इससे पहले graph study किया था cos inverse का. Let me remind you the things whatever we have studied about the cos inverse function. इसके graph में हमने comparison किया था inverse function का और cos function का. हम जानते हैं कि हमारा cos function जो है उसको हमने define किया था कहाँ से कहाँ, इसके लिए भी हमने restrict किया था हमारा जो domain था वो 0 to pi, और range हमने restrict की थी इसकी cos inverse के केस में close interval -1 to 1. तो ये हमारा cos क्यों restrict किया था domain और range को, ये हम पहले ही clear कर चुके हैं कि कोई भी function इनवर्टिबल होने के लिए उसका बाइजेक्शन होना बहुत जरूरी है, और इस फंक्शन को बाइजेक्शन बनाने के लिए हमने इसके डोमेन को और इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. तो एज यूजुअल जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि कोस अगर हमारा डिफाइंड है इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, तो इसका इनवर्स के केस में इंटरचेंज हो जाएंगे. कोस इनवर्स हमारा डिफाइंड होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 towards 0 to pi. That means the domain of the trigonometric function will become the range in the case of inverse trigonometric function. तो अब हम जो graph study करने जा रहे हैं वो comparison हम देखते हैं कि किस तरीके से. ये हमारा cos x है. cos x किस केस में, जब हमारा x theta कहाँ कहाँ होना चाहिए, x की value हमारी 0 से बड़ी और पाई से, क्योंकि क्लोज इंटरवल लिया हुआ है इसलिए हम इसको इक्वल भी मानेंगे. तो ये हमारा cos x कहां कहां पर इसकी वैल्यूज जाएगी -1 से 1 तक. सो 0 टू पाई हम लेंगे, तो हम x की वैल्यू को कहां लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग. तो x की वैल्यू सपोज कीजिए यहां पर हमारा जो है वो 0 टू पाई हम लेने जा रहे हैं. ग्राफ हमारा जो है वो किस तरीके का होगा ताकि वैल्यूज जो वो अचीव करे -1 से 1 के बीच की वैल्यूज होनी चाहिए. -1 से 1 हमारा, तो हम सपोज करते हैं यहां कहीं हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स जो है 1 और -1, क्योंकि जो हमारी रेंज होती है उसको हम y एक्सिस के अलोंग लेते हैं और जो हमारा डोमेन होता है उसे हम x एक्सिस के अलोंग लेते हैं. तो यहां हम मानते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट x के अलोंग π/2 जो है π/2 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां कहीं पे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं π और 0. इन द सेम वे इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा -π/2 0, और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स होंगे -π 0 लाइक दैट. तो कब हमारा, देखिए cos की वैल्यू हमारी 0 कब होती है, 0 हमारी cos की वैल्यू, cos हमारा 0 होता है जब हम cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1, यानी cos के केस में x एक्सिस का जो हम वैल्यू लेंगे वो 0 होगा तो हमारा 1 होगा, यानी यहां कहीं पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं 0 और 1. तो इन द सेम वे बिलो x एक्सिस हम यहां पर ले सकते हैं 0 और -1, यानी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है. आप इधर देखिए, यहां जब x 0 लेते हैं तो 1 है, 0 पर ये इस तरीके से हमारा डिक्रीज करेगा, इस तरीके से. ये हमारा पॉइंट कहीं जो है वो हम पाई पर जो ले रहे हैं, पाई पर जाकर वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हम पाई लेते हैं तो पाई के केस में हमारी पाई की वैल्यू हो जाती है -1. तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमें मिलेगा कॉस के केस में. तो अब हम बात करते हैं उसके इनवर्स की, तो कैसा ग्राफ हमारे पास होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम फोकस विल बी हियर ऑन द
इनवर्स ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. इट इज जस्ट टू रिमाइंड यू दैट हाउ यू कैन कोरिलेट द ग्राफ ऑफ द कॉस फंक्शन विद द ग्राफ ऑफ द कॉस इनवर्स फंक्शन. सो लेट्स टेक हियर. अब हमारा जो डोमेन है वो क्या बन गया है, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन. तो डोमेन हमने आपको पहले भी बताया है कि डोमेन कहां पर आना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे वो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट को वन और जीरो इन द सेम वे, यहाँ पर हमारा हो सकता है माइनस वन और जीरो. और अब हमारा जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो हम ले रहे हैं रेंज को, यानी कि जो थीटा एंगल हमारा आने वाला है वो हमारा वाई के अलोंग होगा और एक्स कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पर क्या होगा, जीरो. तो इस केस में हम देखते हैं, तो यहाँ कहीं सपोज कीजिए हम ले रहे हैं हमारा जीरो टू फाइव बाई टू और इससे ऊपर कहीं जाकर हम ले रहे हैं जीरो फाइव. तो ग्राफ किस टाइप का होगा, देखिए जब हमारा इनवर्स फंक्शन को मान लो कॉस इनवर्स हमने किसी वन पर डिफाइन किया है, तो कॉस इनवर्स वन पर डिफाइन किया है तो हमें यहाँ क्या वैल्यू, यानी यहाँ पे सपोज करते हैं कुछ एक्स है या कुछ हम थीटा मान रहे हैं, तो क्या थीटा होगा वो, इस कॉस को इधर शिफ्ट करके आप देख सकते हैं कि वन इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो आप अब अच्छे से जज कर सकते हैं कि किसका कॉस वन होता है, वही हमारा यहाँ पर थीटा होगा. तो किसका कॉस वन होता है, वन हमारा 90 डिग्री पे जाता है, वन कहाँ जाता है 90. तो अब हम देखते हैं सॉरी कॉस की वैल्यू 90 पे वन नहीं होती है, ये हमारा जो है कॉस 90 पे, हमने अभी आपको दिखाया था पहले भी कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है पाई बाई टू पर, तो हमारा कॉस क्या हो जाता है जीरो हो जाता है. तो हमारा जीरो के ऊपर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो थीटा हमारा यहाँ से जीरो निकल गया है, थीटा क्या निकल गया है जीरो, यानी कॉस जीरो की वैल्यू हमारी जो होती है वो वन होती है. तो आइए हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, यानी हमारा इनवर्स फंक्शन क्या होगा जीरो कब होगा, जब वन पे वैल्यू है. तो ये हम इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब हमारा एक्स क्या है वन तो कॉस इनवर्स क्या आया है जीरो. तो कॉस इनवर्स हमारा जीरो कब आ रहा है, कॉस इनवर्स जीरो कब आ रहा है, जब हमारा क्या है डोमेन का एलिमेंट वन है. ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा ग्राफ आएगा इस तरीके. दिस इज जस्ट द इनवर्स ऑफ दिस कॉस फंक्शन. तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाई. यानी या इसको हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स जब माइनस वन पर ऑपरेट करेगा तो हमें पाई मिलेगा. कॉस इनवर्स एक फंक्शन कंसीडर कीजिए, आप इसको इनवर्स को भूल जाइए, आप सपोज कीजिए दिस इज द फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज ऑपरेटिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन एंड फाइनली व्हाटएवर वी विल गेट दैट विल बी द वैल्यू फ्रॉम द रेंज. सो दैट्स इज रिलेटेड टू द ग्राफ. नाउ दैट्स इनफ, इट इज जस्ट टू रिमाइंड दैट हाउ वी कैन कोरिलेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विद इट्स इनवर्स. सो नाउ आवर वर्क इज to study about, let me erase that part also. हमारा जो main work है वो अभी I have written some questions on the left of the board and now we are going to solve these questions. So let's start. Cos inverse root 3/2. Find the principal values. हमें अब इनकी principal values को find out करना है जो given cos inverse functions. तो कैसे हम हमारा first क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें कॉस इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारा कॉस इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, देखिए कॉस इनवर्स किसी एक्स पर ऑपरेट करेगा और हमें क्या मिलेगा थीटा. सो इट विल बी इक्वल टू सम थीटा बट दिस एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये हमारा कहां से होना चाहिए, दिस इज फ्रॉम दिस इंटरवल 0 टू पाई, ये एक ऐसा थीटा होना चाहिए जो इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, साथ साथ सच दैट अगर हम उसका कॉस निकालें तो ये आना चाहिए, कॉस उस थीटा का अगर हम निकालें तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए रूट थ्री.
इनवर्स को हमने थीटा क्यों लिया है, क्योंकि कॉस इनवर्स किसी भी इस इंटरवल की वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करेगा, तो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इस इंटरवल का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा। सो रेंज से ये क्लियर है कि रेंज की कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में जरूर है, और जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं उनका कोई ना कोई यहाँ पर इमेज एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन, अब हम पहले तो ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर गिवन है ये इस डोमेन का एलिमेंट है या नहीं है। सो दिस रूट 3/2 इट्स वेल क्लियर टू एवरीवन दैट इट बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। सो इस क्लोज इंटरवल का एलिमेंट है, तो हमारा ये कॉस इनवर्स जो भी इस पर ऑपरेट करने के बाद आएगा वो एक थीटा आने वाला है, और कैसा थीटा आने वाला है, दैट थीटा विल बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, और उस थीटा का कॉस हमारा ये होना चाहिए। तो अब आप अच्छे से जानते हैं कि किसका कॉस रूट 3/2 होता है। सो इट इज पाई अपॉन सिक्स। इसका अगर हम कॉस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट 3/2। तो पाई बाई सिक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो इस इंटरवल का भी है और इसका कॉस रूट 3/2 होता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। So it's very easy for you, if you will solve the problems like this, then it will be more clear to everyone. And now let us take one more example related to this principal value. Now we have to find out the principal value of, this is the B part, cos inverse sine or is operating on cos inverse half. So let's move. यहाँ पर again the same thing. Cos inverse half क्या होगा ये? कोई ना कोई theta होगा. And that theta will belongs to this interval if this x is from this closed interval. अगर ये x इस domain का element है, तो cos inverse operate करने के बाद जो element मिलेगा, वो इस range का होना चाहिए. और कैसा होना चाहिए? जिसका अगर हम cos लें तो half आता. अब आप माइंड में सोच सकते हैं कि किसका कॉस हाफ होता है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस, कॉस इनवर्स साइन इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ये हमारा, इसको इसी ब्रैकेट में रखते हैं, एक थीटा है, कैसा थीटा है वो हम ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π सच दैट cos of theta is equal to half. cos theta क्या होना चाहिए हमारा? half होना चाहिए, ऐसा ये theta है हमारा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इस half की, तो cos inverse x की जगह हम वो theta रखने वाले हैं जिसका cos half है। कौन सा theta होता है जिसका cos half होता है? Again it's this implies cos inverse sine, और theta हमारा π/3 एक ऐसा एंगल है जो इस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करता है, और इसका कॉस अगर हम लेते हैं तो वो हमारा हाफ आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन π/3 की वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं, कॉस इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू आप रखिए, क्या आएगी आपकी, π/3 मीन्स 60 डिग्री, π/3 60। तो अब π/3 में 60 साइन 60 होता है √3/2। अगेन cos इनवर्स √3/2 क्या मतलब हुआ इसका? फिर cos इनवर्स फंक्शन हमारा इस डोमेन के एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहा है, दिस √3/2 लाइज इन दिस क्लोज इंटरवल, दैट मींस दिस cos इनवर्स इज ऑपरेटिंग ऑन द एलिमेंट ऑफ डोमेन। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट द एलिमेंट ऑफ द रेंज। रेंज का एलिमेंट जिसका कॉस, ये अगेन हमारा एक ऐसा थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ऐसा थीटा है जो थीटा क्लोज इंटरवल 0 to π में बिलोंग करता हो और उसका कॉस √3/2 होना चाहिए। तो ऐसा कॉस हमें मिल गया है जिसका √3/2 कॉस होता है, अगेन इट्स 30 degree. So 30 degree we can write it like that, π/6. So now I think
थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन एंड यू कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एंड नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस लाइक दैट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन सो नाउ वी विल टेक द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू cos inverse like how we can find the domain if a particular function cos inverse is given cos inverse function is given so question number second is asking find the domain of this cos inverse this function is given to you cos inverse 2x minus 1 this is the function and it's very clear to us that the domain of cos inverse function is this one since it is well known that domain of cos inverse function is closed interval minus 1 to 1 So this cos inverse is also defined for x. This x should be lies between this interval. Means ये उन सभी x के लिए ये function हमारा defined होगा जिन x की value कहाँ से कहाँ lie करती हो minus one से one के बीच में. तो अब हम इसका domain find out करना चाहते हैं 2x minus one which should be cos interval is closed. तो हम यहाँ इक्वल टू का भी साइन लेंगे माइनस वन से बड़ा और इक्वल और वन से छोटा और इक्वल कॉस इनवर्स फंक्शन क्योंकि इसी डोमेन के लिए डिफाइंड है अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए ये फंक्शन हमारा कब एग्जिस्ट करेगा इसका डोमेन हम कब फाइंड कर सकते हैं जब इसका ये जो एक्स है वो इस इंटरवल में लाई करता हो तो आगे हम बढ़ते हैं माइनस वन को अगर हम दोनों साइड ट्रांसफर करके प्लस वन बना देते हैं पर हमारे पास सिर्फ 2x रह गया माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया मींस वी हैव एडेड 1 टू ईच ऑफ द 3 टर्म्स सो हियर वी विल लेफ्ट विद 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2 अगेन वी कैन डिवाइड ऑल 3 टर्म्स बाय 2 सो वी विल लेफ्ट विद x लेस देन इक्वल टू 1 So this finally is the result and result is what the question is asking about the domain. So this is the domain close interval 0 to 1. This is the domain of this function. So yesterday in our previous lecture we have studied how we can find the domain of the sine inverse function and today we have studied how we can find out the domain of the cos inverse function. So this is the method. This method you can apply for more and more such problems to find the domain of the cos inverse functions. So we will take our last problem and it is related to the same method that we have studied in sine inverse function also. Sine inverse में भी हमने इस तरीके का एक problem लिया था कि if x, y, z belongs to close interval minus 1 to 1, that means these three elements are from the domain of this cos inverse. इस cos inverse के domain के elements हैं कैसे elements हैं such that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 0 and find x plus y plus z this is our question तो किस तरीके से हम x plus y plus z की value निकाल सकते हैं first of all we should find out the value of x the value of y and the value of z and with the help of these values after adding all three we will get the final result x, y, z. These are the elements of this closed interval. ये हमारा question number third. इस closed interval की values है. That means x हमारा minus 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा. And similarly, this case is applicable for y also and for z also. All these three values are of this interval so we can write it like this close interval ko hum is tarike se likh sakte hain so after transferring kyunki minus 1 se bada aur equal hai to 0 se to definitely bada hoga it's sure to hum is minus 1 ki jagah pe hum 0 bhi le sakte hain ki this x is greater than equal to 0 and less than equal to 1 similarly here also y is greater than equal to 0 and less than equal to 1 Here also,
जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन. नाउ वी आर गिवन विद दिस कंडीशन कि इस तरीके के एक्स वाई जेड है सच दैट क्या है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z. cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दिस इज इक्वल टू जीरो. कैसे हम जीरो ले सकते हैं? देखिए ये x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दिस z इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो ये इक्वल टू जीरो वाला केस हमने ले लिया कि हमारा x भी इक्वल टू जीरो है, y भी इक्वल टू जीरो और z भी. तो तीनों का सम हमारा क्या आ रहा है? जीरो. तीनों का सम जीरो आ रहा है, दैट मींस दिस ऑल थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो. तो cos इनवर्स x हमारा क्या आ गया? जीरो. दिस इंप्लाइज cos इनवर्स y इज आल्सो इक्वल टू जीरो एंड cos इनवर्स z दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो. अब हम फाइंड आउट करेंगे इस केस को, आप लीजिए कि अगर हमारा x इस इंटरवल का एलिमेंट है और उस पर cos इनवर्स ऑपरेट करता है तो हमें ये रेंज के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं. तो रेंज हमें मिल गया है, क्या मिला है? जीरो. तो जीरो हमारा कब होता है? इसको आप इधर ट्रांसफर करके देख लीजिए. x की वैल्यू cos जीरो इनवर्स को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो cos जीरो हो गया. cos जीरो हमारा x और cos 0 की वैल्यू, इट्स वेल क्लियर टू एवरीवन दैट cos 0 इज इक्वल टू 1 मींस x की वैल्यू हमारी 1 है. सिमिलरली हियर आल्सो y की वैल्यू क्या है? cos 0. cos 0 क्या आ गया हमारा? 1. एंड हियर आल्सो z इज इक्वल टू cos 0, z की वैल्यू भी हमें मिली है 1. मींस वी गॉट ऑल दी थ्री वैल्यूज x y एंड z एंड ऑल थ्री वैल्यूज आर 1, 1, and 1 each. So finally we have to find out the sum. 1 plus 1 plus 1, that is equal to 3. This is the result. So I think that's enough related to the principal values of sine inverse function and cos inverse function. In our next lecture, we are going to study about the principal values of tangent function. So let's study. Today I will make you clear about the concept of graph of the tangent function. आज हम जो cos inverse और sin inverse function है उसकी problems को solve कर चुके हैं. तो next जो हमारा topic आता है tan x. अब जो function हम यहाँ define करने जा रहे हैं that will be the trigonometric function, tangent function. तो हम आपको बताते हैं कि अगर हम y equal to fx फंक्शन हम ले रहे हैं और अब जो केस हम लेने जा रहे हैं उसमें fx हमारा tangent x. fx क्या है? tangent x, या फिर इसको हम tangent theta भी लिख सकते हैं. ये हमारा फंक्शन है. इस फंक्शन को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा 1, 1, 2, दैट मींस ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है. बिकॉज the inverse of the function exists only when the function will be bijective. So this trigonometric function is defined from, अगर हम tangent function को define करते हैं तो वो हमारा real number, सभी real numbers से define होता है except odd multiples of pi by 2 such that this n is of z indeed. यहाँ से डिफाइन है सभी रियल नंबर्स की. देखिए हम डिफाइन करने जा रहे थे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट फंक्शन को और टेंजेंट फंक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर. सभी रियल नंबर्स से सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, मींस इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है और रेंज भी कोई भी रियल नंबर हो सकती है. लेकिन अब बात हम करते हैं कि हमने ये माइनस में ये क्यों लिखा. दीज आर द ओड मल्टीपल्स. ओड to multiply something, that means it's an even number and if we will add 1 to it, it becomes an odd. तो ये हम बता रहे हैं कि odd multiples of pi by 2 को छोड़कर बाकी सभी के लिए defined है. क्यों? क्योंकि tangent theta जो होता है वो हमारा उसका formula है sin theta upon cos theta. और cos 90 अगर हम यहाँ पर put करते हैं, 90 means pi by 2. Pi by 2 को
3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो, 7 पाई बाय, इन सभी के लिए ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाता है, 0, जिसके लिए समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन डोमेन हियर लाइक दिस। तो फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन जो है वो रियल टू रियल डिफाइंड है एक्सेप्ट ओवर मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, बट नाउ आल्सो दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट्स many one onto function is this one. This given function is many one onto function. Many one onto. और हमें बनाना क्या है इसे? One one onto. Then only its inverse will exist. तो one one onto के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? Restrict करना पड़ेगा domain. क्योंकि onto तो है. Onto है, that means हमारा जो range है वो ठीक है, उसमें चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनी वन है और हम उसे बनाना चाहते हैं वन वन, सो अवर वर्क इज जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, और अब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड रेंज विल बी सेम ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। So in this case, if we will restrict the domain to this open interval, our this function will become 1 1 onto. 1 1 onto means it's bijective. It's bijective function now. और bijective हो गया है, that means इसका inverse अब exist करता है. Inverse exist करेगा. तो अगर ये हमारा domain था function का, तो inverse का domain क्या हो गया? This range becomes domain and this domain now it becomes the range of the inverse of tangent function. तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा ये domain range बन चुका है और जो range था वो domain. तो tangent function का inverse function इस तरीके से defined है. ये R क्या है? This R is the set of all real numbers. तो किसी के ऊपर भी अगर हमारा इनवर्स फंक्शन किसी भी रियल नंबर x पर ऑपरेट करेगा तो हमें मिलने वाला है कोई ना कोई थीटा। ये थीटा कैसा होना चाहिए? सच दैट ये थीटा हमारा बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इस इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी हमारा टेंजेंट किस पर ऑपरेट करता है? थीटा पर। टेंजेंट किस पे ऑपरेट करता है? थीटा पर। और उसका इनवर्स किस पे ऑपरेट करता है? एक्स पर। तो फिर से हम सो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट द ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप इट हियर। ग्राफ की बात करते हैं, ये टेंजेंट फंक्शन का लेंगे और यहाँ हम टेंजेंट के इनवर्स फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा टेंजेंट कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। टेंजेंट इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू ऑल रियल नंबर्स एंड इट्स इनवर्स इट्स डिफाइंड फ्रॉम इनवर्स रियल नंबर्स टू दिस ओपन इंटरवल। अब हम जानते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन आएगा? डोमेन। और वाई एक्सिस के अलोंग? रेंज। तो अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका डोमेन क्या है हमारा? थीटा टाइप, यानी हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज लेनी है वो हमारी थीटा वाली वैल्यूज, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 0 पाई 0 लाइक दिस माइनस पाई बाय 2 0 एंड माइनस पाई 0। सो दिस थीटा टाइप एंगल्स शुड बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज़ इट इज द डोमेन और रेंज हमारी क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो यहां पर हम किस तरीके के एलिमेंट्स ले सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। हियर आल्सो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई हमारे -1 है। 1 -1 दैट मींस वी कैन टेक एनी रियल नंबर अलोंग दिस एक्सिस। तो अब आप देखेंगे
समझेंगे कि हमारा जो केस है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर. इन केस ऑफ दिस शुड बी द टाइप ऑफ ग्राफ. दिस शुड बी द टाइप ऑफ ग्राफ कैसा? टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, यानी एनी रियल नंबर. लेकिन ये रेंज, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है डोमेन, रिस्ट्रिक्ट है. डोमेन सिर्फ कहाँ से कहाँ है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक. माइनस पाई बाई टू ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है. और प्लस पाई बाई टू यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, दैट मींस इट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड. वी आर हैविंग जस्ट द वैल्यूज लेस देन माइनस पाई बाई टू, एंड जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है. इसलिए हम इसको कहीं से भी इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से हम इसको लेकर गए. और ये हमारा यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स जीरो हो गए. यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी जीरो जीरो एंगल लेते हैं तो हमारा यहाँ भी क्या एंगल है? जीरो एंगल है. तो इस तरीके से हमारा, अब आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे 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 इंक्रीज हुआ है ये. और लेकिन पाई बाई टू से छोटा ही है. मीन्स हम कोई भी वैल्यू जो डोमेन की, इस डोमेन की वैल्यू लेते हैं तो रियल नंबर्स हमारे एक्सटेंड कर रहे हैं. ये एरो आपकी दिखा रही है कि ये एक्सटेंडिंग है यहाँ से और यहाँ से, इनका कोई एंड नहीं है. दिस इज द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट फंक्शन. तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इनवर्स की. ये कब था? जब हमारा एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू था और लेस देन पाई बाई टू. उस केस में एक्स जो हमारा यहाँ वैल्यू था वो माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा, उसके केस. अब हम डिफाइन करें टेंजेंट का इनवर्स फंक्शन. ये हमारा, इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का. देखिए क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने आपको लास्ट टाइम कॉस इनवर्स के केस में भी आपको बताया था कि जो डोमेन है ये अब हमारा रेंज के अलॉन्ग जाने वाला है, और जो रेंज है वो डोमेन, यानी हमारा एक्स एक्सिस पे अब रियल नंबर्स का सेट आने वाला है. और रियल नंबर्स के सेट को एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? 1, वाई कोऑर्डिनेट 0. हियर आल्सो माइनस 1, 0. और वाई एक्सिस के अलोंग अब हम क्या ले रहे हैं? हमारे थीटा एंगल्स. जो थीटा एंगल्स थे वो हमारे किस टाइप के थे? जो भी इनको हम यहाँ प्लॉट करने जा रहे हैं लाइक दैट. ये हमारा हो गया 0 और पॉजिटिव पाई बाई टू. नीचे हमारा होगा 0 माइनस पाई बाई टू. इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा. हमें कहां से एक्सटेंड करना है? सॉरी, माइनस पाई बाई टू से. अब हमारा ये वैल्यूज देखो, ये ग्राफ जो इस तरीके का आपका आ रहा था, इस ग्राफ में चेंजमेंट किस तरीके से हुआ? डिफाइन करेंगे हमारा टेंजेंट किस पर डिफाइन हो रहा है? इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन हमारा रियल नंबर्स पे, रियल पे डिफाइन हो रहा है, यानी इस पे डिफाइन कर रहा है. और इस पे डिफाइन करने के बाद हमें मिलने क्या वाला है? मिलने वाला है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से, यहाँ से एक्सटेंडिंग है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है. जीरो पर गया और जीरो पर जाने के बाद फिर क्या कर रहा है? इस तरीके से ऐसे ये कहीं पर भी जाएगा. कहीं पर भी क्यों जाएगा? क्योंकि एक्सटेंडिंग है, रियल नंबर्स की तरफ ये एक्सटेंशन शो हो रहा है. इधर से कहां से आया है आपको क्लियर नहीं, कोई भी रियल नंबर ये कहीं से भी आ रहा है, इनफाइनाइट से मूव कर रहा है, जीरो की तरफ गया और लास्ट में फिर से ये क्या कर रहा है? एक्सटेंड हो रहा है. सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ. अगेन आप ये देख रहे हैं कि पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में है, उनको कवर अप नहीं किया है. माइनस पाई बाई टू इज नॉट इंक्लूडेड, pi by 2 is also not included. This graph is lying between just this range. तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो डोमेन था वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एनी रियल नंबर. बट दिस रेंज इज जस्ट ओनली माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. सो दिस इज द केस ऑफ टेंजेंट फंक्शन एंड टेंजेंट इनवर्स फंक्शन. नाउ द ग्राफ इज क्लियर टू एवरी वन एंड लेट मी मेक यू more clear about the tangent inverse function. इसके बारे में एक दो बातें हम आपको बता दें कि एक तो हमने देखा कि जो tangent और tangent inverse है वो increasing functions है. increasing means
अगर थीटा वन लेस देन थीटा टू है, दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा वन इज ऑल्सो लेस देन टेंजेंट थीटा टू फॉर ऑल थीटा वन थीटा टू ऑफ दिस इंटरवल। पहली बात तो ये टेंजेंट फंक्शन के बारे में हमें ये जाना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मींस अगर थीटा दो एंगल्स हम इस इंटरवल से लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो थीटा वन अगर थीटा टू से छोटा है तो टेन थीटा वन विल ऑल्सो बी लेस देन टेन थीटा टू हर एंगल के लिए, लेकिन वो एंगल हमारा इस इंटरवल का होना चाहिए। ऑल्सो आपने देखा है कि जो टेंजेंट इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू है और टेंजेंट इनवर्स की मिनिमम वैल्यू ये हमारी माइनस पाई बाई टू, बट इट नेवर अटेन्स दीज वैल्यूज, बट इट नेवर अटेन दीज वैल्यूज, लेकिन इन वैल्यूज को वो कभी अटेन नहीं करता है, बट इट नेवर अटेन दीज वैल्यूज, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। सो दैट्स इनफ अबाउट द ग्राफ ऑफ द टेंजेंट एंड इट्स इनवर्स फंक्शन, एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेंजेंट इनवर्स function in our next lecture. So thank you my dear students, thank you for your time, and that's all.